अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले एएसपी ने सभी धर्म गुरुओं से की अपील। रामपुर में अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले रामपुर जिले के संवेदनशील स्थानों पर फोर्स की तैनाती की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस जिले के ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है। अफसर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कवायद में जुटे हैं। अयोध्या प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, किसी भी दिन इस पर फैसला आ सकता है। वैसे संभावना 14 या 15 नवंबर को फैसले आने की बनी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने शांति बनाए रखने की चुनौती है, जिसके लिए सप्ताह भर से कवायद की जा रही है। पुलिस अफसर समस्त थानों में मीटिंग कर रहे हैं और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का सहयोग में लिया जा रहा है। वहीं एएसपी रामपुर डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने सभी धर्म गुरु व समाज के जुड़े लोगों को बुलाकर पुलिस लाइन रामपुर में मीटिंग ली, साथ ही उन्हें दिशा निर्देश भी दिए और सहयोग करने की अपील भी की। जिले को लेकर के क्या कहते हैं, अभी फैसला आने वाला है, उसको लेकर के जिले में कानून व्यवस्था की क्या तैयारी की जा रही है? आगामी कुछ दिनों के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो निर्णय आना है, उसी के संबंध में जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सभी समुदाय के अंदर सौहार्द बनाए रखने के लिए मीटिंग्स अलग अलग वर्गों के साथ में की जा रही हैं, और प्रशासन, पुलिस और पब्लिक के बीच में किसी प्रकार से तालमेल की कमी ना रहे, उनके बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन के गैप ना रहे, उसके लिए विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। जो सुझाव पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो प्रशासन की मंशा है, जो अपेक्षा है, उसको बताया गया है, और पूरी तरह से सहयोग पब्लिक की तरफ से हमें मिल रहा है, और पूर्णतया आश्वस्त हैं हम कि कार्रवाइयों के तहत और जनता के सहयोग से जनपद में पूरी तरह से शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए। अच्छा, अभी आपने बताया कि NSA भी लगेगी, गुंडा एक्ट भी उन लोगों पे लगे, तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह से, जो भी ऐसे खुराफाती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो जनपद में किन्हीं लोगों के बीच में व्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेंगे, माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो जिस तरह की अवैध गतिविधियों को उनके द्वारा किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली NSA तक की कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया आजकल काफ़ी एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया पे जो असामाजिक तत्व, उनके लिए क्या है? ये कई बार ये हिदायत सभी को दी गई है, डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से भी ये मैसेज जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार से भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो, और जो भी ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पे गलत तरीके से कुछ अफवाहें फैला रहे हों या किस तरह के मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों जो कि सही नहीं है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल अवेयरनेस कैंपेन लगातार हमारा जारी है, चाहे वो मीटिंग से हो, चाहे वो पैम्फलेट से हो, या अलग अलग माध्यमों से हो, हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का कोई भी गलत संदेश किसी के द्वारा ना डाले।